हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन विद प्रीति। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस ये सर नेट के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है और एक छोटा सब्जेक्ट है। इससे हमें नेट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है। छोटा पेपर है, इजी भी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आप 3 या 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस पेपर को करके ही जाइए, इसे ना छोड़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता क्या है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज द फील्ड, वेरिएशन इज द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कंसर्न्ड विद solving extremal problems for a functional minimum or maximum value problems whose domain contains admissible functions. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता क्या है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक फील्ड है मैथमेटिक्स का, जो किस में हेल्प करता है? सॉल्विंग एक्सट्रीमल प्रॉब्लम्स। एक्सट्रीमल का मतलब है या तो मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ फंक्शनल। और कैसे फंक्शन होंगे वो? जिनकी डोमेन में एडमिसिबल फंक्शंस होंगे। अब एडमिसिबल फंक्शंस क्या होते हैं बताऊंगी मैं आपको अभी। एडमिसिबल फंक्शंस होते हैं फंक्शंस का मतलब है, जैसे हम लिखते हैं कोई फंक्शन है बिलोंग्स टू C3AB, ये डोमेन है फंक्शन की, ठीक है। अगर हमने जैसे ऐसे लिखा है ये चीज़, तो एडमिसिबल फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि कलेक्शन ऑफ, अब C3AB का क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस, और 3 का मतलब क्या है? 3 बार इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो कलेक्शन ऑफ थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एडमिसिबल फंक्शंस। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है? एक ऐसा फील्ड है मैथमेटिक्स का जो हमें जो एक्सट्रीमल प्रॉब्लम्स हैं फंक्शनल की, उनके लिए एक्सट्रीमम वैल्यू यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? COV इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस वेरिएशंस विच आर स्मॉल चेंजेज small changes in functions and functionals to find the minima and maxima of minima and maxima of functionals.
अब वेरिएशंस का क्या मतलब है? वेरिएशंस का मतलब ही है कि चेंज। वेरिएशंस क्या है? स्मॉल चेंजेस, जो फंक्शंस या फिर फंक्शनल है उनकी वैल्यूज में जो स्मॉल चेंजेस हैं उनको ही बोलते हैं वेरिएशंस। तो सीओवी क्या करता है, हमें वो चेंजेस बताता है कि किस में क्या है क्या नहीं है, कितना चेंज है, या फिर उनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल होता है बहुत सारे फंक्शंस का ही फंक्शंस, ठीक है, या बहुत सारे वेरिएबल्स का फंक्शंस। एक क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड बाय बाय वन और सेवरल फंक्शंस। मतलब फंक्शनल क्या है कि एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस जो है फंक्शनल को डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट इज द क्वांटिटी हुज डोमेन इज द सेट ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस। एंड रेंज और कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक फंक्शनल क्या होता है कि जिसकी जो डोमेन है उसमें सारे एडमिसिबल फंक्शंस हों। हमने पढ़ा कि एडमिसिबल फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस है ना, जो कि कुछ गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो एडमिसिबल फंक्शंस होते हैं। और रेंज और कोडोमेन में क्या होने चाहिए? सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो फंक्शनल किस टाइप का हो सकता है, हम फंक्शनल को लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, फंक्शनल कैन बी ऑफ दिस टाइप। फंक्शनल कैन बी गिवन एज। फंक्शनल कैसा हो सकता है? मान लिया हम आई से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, किसी फंक्शनल को। ये एक फंक्शन है, फ्रॉम ए टू आर लेके चलते हैं। आर इज़ द सेट ऑफ रियल्स, ये है कोडोमेन या रेंज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आई है, ये क्या है हमारा फंक्शनल। आई को फंक्शनल, ए क्या है, हमने बोला क्या था कि कोई भी जो फंक्शनल है उसके डोमेन में क्या होता है, सेट ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस। तो ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस, ए इज द सेट ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस एंड दिस इज रेंज और कोडोमेन। यानी कि हमें रेंज में क्या है, रियल नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी फंक्शनल की डेफिनेशन, और फंक्शनल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फंक्शन से। ओके, तो फिर चलिए हम एक फंक्शनल को लिखते हैं। अब क्या है कि फंक्शनल बोला, कोई सेट ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस बोला। अब मान के चल रहे हैं कि वो एडमिसिबल फंक्शंस क्या है, उस फंक्शन को हमने ले लिया वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स। और अब इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डैश इन डी एक्स, ठीक है। अब हमें जो इस इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट्स चाहिए। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? जैसे हम मान के चलें कि हमारा एफ बिलोंग्स टू सी स्क्वेयर, ए बी एक क्लोज इंटरवल है, तो हमारी डोमेन में क्या है, ए टू बी फिक्स है हमारी, कि हमारी डोमेन क्या होगी, ए टू बी फिक्स है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो हमारी जो लिमिट्स होंगी वो भी क्या होंगी, ए टू बी। तो जो हमारी लिमिट्स होंगी वो भी क्या होंगे, ए टू बी, ठीक है, फिक्स है। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन, क्योंकि वाई हमारा एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर इंटीग्रेशन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू है, तो इसका मतलब हमारा एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल। वाई एक्स का फंक्शन है, तो हमारा वाई क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई डैश इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल ठीक है। तो ये क्या है, एक फंक्शनल है। लिमिट्स हमें पता है क्योंकि हमारी लिमिट्स फिक्स हैं, या डोमेन में क्या है ए टू बी क्लोज इंटरवल, तो हमारी लिमिट्स ये हो जाएंगी। अब इंटीग्रेशन एक्स के विद रिस्पेक्ट है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू में ही होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं एक फंक्शनल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, पी एक्स वन वाई वन, पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए एक्स वन वाई वन, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए एक्स टू वाई टू। तो वो कर्व या फिर वो फंक्शनल जो इन दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है वो क्या होगा, वो फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन टू एक्स टू। अब लिमिट्स क्या होंगी, जो एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो पी का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट और एक्स टू का भी, तो ये लिमिट्स हो जाएंगी अंडर द रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वेयर डी एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो लिमिट्स हमेशा इसकी आएंगी, जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके लिमिट्स आएंगी। यहाँ पे y डिपेंडेंट है वेरिएबल है, तो y के कोऑर्डिनेट्स y1 और y2 लिमिट में नहीं आ सकते। तो ये एक था एग्जांपल, ठीक है। आगे ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। अब है एक्सट्रीमल कर्व क्या होती है, द कर्व विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी टू फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो वो कर्व जो हमें किसी भी इंटीग्रल की एक्सट्रीमम वैल्यू यानी कि मिनिमम या फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताती है, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमल कर्व, ठीक है। वो क्या बताएगी, कोई भी वेरिएशन, वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का क्या मतलब है, स्मॉल चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, और स्मॉल चेंजेस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल से, ठीक है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वेरिएशन है फंक्शनल में आई वाई एक्स में, अगर है आई वाई एक्स में जो हमारा फंक्शनल है उसमें कोई स्मॉल चेंजेस हैं, अगर स्मॉल चेंजेस हैं तो उसके अंदर हम किससे डिनोट करेंगे इसको, डेल वाई और डेल आई। अब क्या है, आई किसका फंक्शन है, वाई ऑफ एक्स का, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए जो वाई की वैल्यूज आएंगी, जैसे y डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज़ लेता है वैसे i भी क्या है y x की अलग अलग वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। और एक्सट्रीमल क्या है हमारा, एक्सट्रीमल कैन बी यूनिक, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट, यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, एंड समटाइम्स वी गेट नो एक्सट्रीमल, वी कई बार क्या होगा कि हमें एक्सट्रीमम वैल्यू मिलेगी नहीं फंक्शन की, फॉर द फंक्शनल। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस, जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी उन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब एक्सट्रीमल होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो
हमें लिखनी है, ठीक है। एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शनल आई, फॉर अ फंक्शनल आई टू हैव एन एक्सट्रीमम इज दैट, इज दैट वेरिएशन इन द फंक्शनल इज, इन द फंक्शनल इज जीरो, ठीक है। फंक्शनल इज जीरो। अब फंक्शनल क्या था हमारा, आई वाई एक्स लिख लो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा डेल आई अगर जीरो हो जाए, फंक्शनल में वेरिएशन जीरो हो जाए, तो क्या होगा, हमें उस फंक्शनल की क्या है, एक्सट्रीमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये एक्सट्रीमल वैल्यू कौन फाइंड आउट करता है, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। क्या होती हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम्स, आर दोज प्रॉब्लम्स विच डिफाइन्स द मिनिमा एंड, विच डिफाइन्स द मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर द गिवन फंक्शनल। ठीक है, तो वेरिएशन प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें किसी भी गिवन फंक्शनल्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो पता चल गया हमें कि क्या है सी ओ वी, क्या होता है जो हमें एक फंक्शनल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या फिर फंक्शनल का एक्सट्रीमम फाइंड आउट करने में हेल्प करे। फंक्शनल हमने पढ़ लिया क्या है, जिसकी डोमेन में क्या हो, सेट ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस हों और रेंज में क्या हो, रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हमने देखो जैसे लिया, यहाँ पे हम जैसे ही वाई और वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इस फंक्शनल की वैल्यू मिलेगी एक्सट्रीमम। वो वैल्यू क्या होगी, एक रियल नंबर, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी, एक रियल नंबर ही तो होगी, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया था कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी, ये एक्सट्रीमल कर्व वही है जो कि किसी भी इंटीग्रल की क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू या एक्सट्रीमम दे हमें। वेरिएशन का मतलब ही होता है कि चेंज, स्मॉल चेंजेस। नेसेसरी कंडीशन किसी भी फंक्शनल के एक्सट्रीमम के लिए क्या होगी कि जो वेरिएशन है उस फंक्शनल में वो जीरो हो जाए, ठीक है। दैट इज़ डेल आई इज इक्वल टू जीरो। और वेरिएशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वह प्रॉब्लम्स जो हमें किसी भी फंक्शनल का मिनिमा और मैक्सिमा बताती हैं, ठीक है। अब सी ओ वी में क्या है, मेनली जो वेरिएशनल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वेरिएशनल प्रॉब्लम्स क्या है, वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, विद मूवेबल बाउंड्रीज, और फिर क्या है सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद द फिक्स्ड बाउंड्रीज, ठीक है। फिक्स्ड बाउंड्रीज, अब जो फिक्स्ड बाउंड्रीज वाली जो वेरिएशनल प्रॉब्लम्स हैं वो किससे सॉल्व होती हैं, वो सॉल्व होती हैं आइलर्स इक्वेशन से, ठीक है। आइलर्स इक्वेशन का इसमें यूज होता है, तो आइलर्स इक्वेशन है क्या, आइलर्स इक्वेशन क्या है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल फंक्शनल हमने क्या लिया, आई वाई एक्स लिमिट्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू एफ एक्स वाई वाई डैश और डी एक्स। अब हमने क्या बोला था कि एक्सट्रीमल किस बेस पे होगा, यूनिक है या इनफाइनाइट है या फिर हमें कोई भी एक्सट्रीमल मिला ही नहीं है, ये चीज़ें होंगी बाउंड्री कंडीशंस पे बेस्ड,
क्योंकि हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड गिवन है, सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है, y(x1) = y1 एंड y(x2) = y2। और यहाँ पे अब हमने वो क्या बोला, फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस, तो यहाँ पे क्या है, x1, x2, y1, y2 आर फिक्स्ड, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल टू हैव, इस फंक्शनल के एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए, टू हैव एन एक्सट्रीमम इज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई माइनस dy/dx ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी जो ये गिवन बाउंड्री कंडीशन है फिक्स्ड है, ठीक है, इनके लिए अगर हमें एक्सट्रीमम वैल्यू चाहिए तो हमें एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, वो है इक्वेशन आइलर्स इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइलर्स इक्वेशन, ठीक है। कर्ली एफ बाई कर्ली वाई माइनस dy/dx कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश। आप इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चंस में ये यूज़ होगी COV में, और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी इससे आपकी। एक्सट्रीमल सेटिस्फाइज द बाउंड्रीज कंडीशंस। अब हमें क्या है कि कई बार एक्सट्रीमल तो मिल जाता है, एक निकल के आता है जब हम ये इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो एक वैल्यू निकल कर आती है, बट क्या है वो वैल्यू कई बार क्या है, बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस केस में हम लिखेंगे कि वी हैव नो एक्सट्रीमल फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शनल। बट अगर वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करती है तो हमें वो फंक्शनल की एक्सट्रीमल वैल्यू मिल ही जाती है। तो एक्सट्रीमल का क्या है कि वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन, अभी क्या है जो आइलर्स इक्वेशन है इसकी क्या है, तीन फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स ऑफ आइलर्स इक्वेशन, ठीक है। आइलर्स इक्वेशन की क्या है, तीन फॉर्म्स हैं। अब कौन सी हैं, फर्स्ट तो यही है जो हमने अभी लिखी थी, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई माइनस dy/dx ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश, ठीक है, 0। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन। अब हमें क्या लिखना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन। सेकेंड फॉर्म में करने के लिए, अब हम सेकेंड फॉर्म क्या है एग्ज़ाम के लिए, तो हमें जस्ट जो फाइनल हम रिड्यूस कर लेंगे इक्वेशन, वही इक्वेशंस याद रखनी है। लेकिन कई बार हो जाता है कि एग्ज़ाम में हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या है एक बार सीख लेंगे डेरिवेशन इसका, ताकि अगर हम कन्फ्यूज़ हो जाएँ तो हम इसको डिड्यूस कर पाएँ, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे dy/dx ऑफ, हमने क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू लिया डेरिवेटिव। अब हमारा फंक्शनल क्या था, fxyy- का, ठीक है। अब हम क्या है इसका डेरिवेटिव कंसिडर करके चलते हैं। हमारा f फंक्शन है किसका, x का, y का, y डैश का, ठीक है, और x हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर एक के रिस्पेक्ट में करते, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव हमें पहले, क्योंकि एक से ज़्यादा फंक्शंस का जब ये फंक्शन हो तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज हम टोटल डेरिवेटिव करते। बट यहाँ पे हमारा फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शंस है, फंक्शन
फंक्शन है, तो उसके लिए हम क्या है पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो, सबसे पहले एफ का इस एक्स के रिस्पेक्ट में कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स, फिर इस एक्स का इसके रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स प्लस, फिर इस एफ का इस वाई के रिस्पेक्ट में कर्ली एफ बाय कर्ली वाई, फिर इस वाई का इस एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू टोटल डेरिवेटिव, ये वाले पार्शियल और ये वाला टोटल, ठीक है, प्लस एफ का क्या है वाई डैश के रिस्पेक्ट में वाई डैश इनटू, अब वाई डैश का क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव डी वाई डैश बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल डेरिवेटिव्स हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स को, अब डी एक्स है डी एक्स क्या गया, तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई डैश, हमारा वाई डैश क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये तो लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, ठीक है, प्लस अब y डैश का डी वाई डी एक्स है तो y डबल डैश कर्ली एफ बाई कर्ली y डैश, ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। अब हम क्या है ये कर ली डेरिवेटिव, अब हम ये वाली सेकेंड टर्म है जो ये उठा के चल रहे हैं एक बार, ठीक है, कंसिडर, क्योंकि हमें फाइनल इक्वेशन पे पहुँचना है, उसको डिड्यूस कर रहे हैं हम, तो हम इसका डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं वाई डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई। अब ये क्या है दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे क्या है यू इंटू वी रूल लगेगा, वो क्या होता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, है ना, डी बाय सेकेंड, मैंने कुछ गलती की है ना यहाँ पे, नहीं हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेके चलना पड़ेगा, वाई डैश कर्ली एफ बाय कर्ली वाई, एक मिनट, अच्छा हम जो, अच्छा मैं यहाँ पे गलती कर रही थी कि हमें डेरिवेटिव लेके चलते हैं इस सेकंड टर्म का, नहीं वाई डैश इंटू कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश का, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर्ल वाई डैश, हाँ हाँ यही मैं गलती करके चल रही थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लिखते हैं तो टू एफ, तो ये इक्वेशन क्या हो गई डी वाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश इन बाई डी एक्स इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं टू, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, वी गेट, क्या था इक्वेशन वन में, डी एफ बाई डी एक्स, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ
वाई डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश। राइट हैंड साइड में क्या था, कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस वाई डैश, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस वाई डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस वाई डबल डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश माइनस, ये पूरी टर्म राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू इंटू कर्ली एफ बाई कर्ल वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ कर्ली एफ बाय कर्ली वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ें को बना सकते हैं, अच्छा यहाँ पे भी तो माइनस ही आएगा ना क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ से डी एफ बाय डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू कर्ली एफ बाय कर्ली वाई डैश इज इक्वल टू कर्ल एफ बाय कर्ल वाई प्लस वाई डैश। वाई डैश अगर यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, कर्ली एफ बाय कर्ले वाई कर्ल एफ बाय कर्ल वाई प्लस वाई डैश कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश माइनस, अच्छा हम यहाँ से क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, क्या कर लिया एफ बाई कर्ली वाई प्लस वाई डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस वाई डबल डैश कर लिया एफ बाई कर्ली वाई डैश माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस वाई डैश इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश हो गया यहाँ पे। अब डी एफ बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज डी एक्स वाई डैश इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस, अब वाई डैश हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश। ठीक है, अब ये क्या है, आयलर्स फर्स्ट इक्वेशन, आयलर्स फर्स्ट इक्वेशन है ये, और वो क्या थी, इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो थी। ठीक है, बाय आयलर्स फर्स्ट इक्वेशन कर्ली एफ बाई कर्ली वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जीरो नाउ, तो ये क्या हो जाएगा कि डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश इज इक्वल टू कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो ये वाली पूरी टर्म ही वैनिश हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम उधर ले जाते हैं, ठीक है कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, अब यहाँ से हम डी बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं ना, क्या बचेगा एफ माइनस वाई डैश कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश इज इक्वल टू कर्ली एफ बाई कर्ले, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है क्या कुछ, अच्छा एक्स था, ये वेरिएबल हर जगह मैंने गलत लिखा है, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई नहीं कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स रहेगा क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल जो लेके हम चल रहे हैं एक्स, तो
ये गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे कर ली एफ बाई कर ली एक्स है, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन है हमारे पास वो क्या होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन, ऑफ आयलर्स इक्वेशन, ठीक है। ये थी आयलर्स इक्वेशन की सेकेंड फॉर्म। नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन, तो इसको भी आप याद रखना क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमारे हेल्प करेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ आयलर्स इक्वेशन, हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, कंसिडर डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, ठीक है, वाई डैश। अब हमें बताएं यहाँ पे जो हमारा एफ है वो किस चीज़ का फंक्शन है, एक्स वाई वाई डैश का, ठीक है। हमारा एफ है यहाँ पे एफ वाई वाई डैश का, तो फिर से वही चेंज रूल लगेगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। तो कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ, पहले इस कर्ली एफ बाई कर्ली वाई का इसके रिस्पेक्ट में होएगा, है ना। तो क्या होगा, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश इन टू इसका इसके रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव डी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई जी एक्स प्लस, अब f का क्या है, y के रिस्पेक्ट में होएगा, कर्ली बाई कर्ली y ऑफ कर्ली f बाई कर्ली y डैश इस पूरी टर्म का। अब क्या है, y का टोटल डेरिवेटिव डी वाई ऑफ डी एक्स, अब इस पूरी टर्म का y डैश के रिस्पेक्ट में, तो ये पार्शल होगा ना, कर्ली बाई कर्ली y डैश ऑफ कर्ली f बाई कर्ली y डैश और इनटू में टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। ये भी हम थर्ड इक्वेशन है जो उसकी वो रिड्यूस कर रहे हैं, वहाँ से हमें क्या है जो फाइनल इक्वेशन है वो मिल जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, अगर हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए जो हम ये इक्वेशन रिड्यूस करना सीख लेते हैं, ताकि अगर कंफ्यूजन हो थोड़ी बहुत तो हम अपना कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली वाई डैश इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ली वाई कर्ली एक्स ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ल टू एफ बाई कर्ल एक्स इंटू कर्ल वाई डैश लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज वाई डैश, दिस इज वाई डैश इंटू कर्ल टू एफ बाई कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई डैश प्लस, ये क्या हो गया, वाई डबल डैश इंटू कर्ल टू एफ बाई कर्ल वाई डैश का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। मान लेते हैं क्या है दूसरी इक्वेशन, नाउ यूजिंग टू इन वन, अब हम जो ये यूजिंग टू इन वन, अब वन में क्या था हमारा, जो अच्छा, आयलर्स फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, कि कर्ल एफ बाई कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ से हम कर्ल एफ बाई कर्ल वाई को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश, है ना। तो जो ये थी कर्ल डी बाई डी एक्स की ये जो वैल्यू है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में ना यहाँ पुट कर देते हैं, सॉरी सेकंड इक्वेशन में, तो हमें क्या है ये थर्ड जो है फॉर्म आयलर्स इक्वेशन की वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई यूजिंग आयलर्स फर्स्ट इक्वेशन इन इन टू वी गेट,
ठीक है, नेहलस के फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने ये वैल्यू निकाली है डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश की, ये जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल टू एफ बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू कर्ल टू एफ बाई कर्ल वाई वाई डैश प्लस वाई डबल डैश कर्ल टू एफ बाई कर्ल वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिलती है, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ आयलर्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये थी आयलर्स इक्वेशन की थर्ड फॉर्म। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, और जो ये आयलर्स इक्वेशन है उनके हमें क्या है एग्जांपल्स, वो क्या है हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में, इसमें हमने क्या पढ़ा, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन देखा क्या है, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स पढ़ी, फंक्शनल के बारे में पता किया, फिर हमने वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद फिक्स्ड बाउंड्रीज किया, आयलर्स इक्वेशन देखा, आयलर्स इक्वेशन की तीनों फॉर्म्स लिखी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे आयलर्स इक्वेशंस के, और फिर जो ये तीनों फॉर्म है इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीएसआईआर नेट के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।